Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. Good morning dear students and respected parents. आज के अपने पास activity है, activity number 8th. इसका theme है 3, home sweet home. Theme number 3 है, इससे पहले हम कर चुके हैं सबलिंग्स का, फैमिली का, और ये तीसरी है. ये अपने होम, घर के बारे में है. तो एक छोटा सा पोएम है, मेरे साथ पढ़ेंगे आप. सम हाउसेज आर बिग, यहाँ देखिएगा, सम हाउसेज आर बिग, सम हाउसेज आर स्मॉल, सम हाउसेज आर वाइड, वाइड मतलब ऐसे चौड़ाई में है ना. सम हाउसेज आर टॉल, जैसे कि बिल्डिंग्स देखते हैं ना आप ऐसे, इस तरीके से ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी. One of them is the best one, that one is my cousinest. उनमें से एक अच्छा वाला मेरा है, उनमें से एक अच्छा वाला मेरा है, that is my cousinest, जो मेरा मतलब कि आरामदायक, मुझे जो पसंद है, रुचिदार, मेरा अपना आसियाना है. तो इस तरीके से आपने पढ़ा, एक बार दोबारा मेरे साथ पढ़िए इसको. Some houses are big. Some houses are big, some houses are small, some houses are wide, some houses are tall. One of them is the best, that one is my cozy nest. है ना, तो ये हो गई पोएम. अब इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको एक बार देखते हैं. ये देखिएगा कि कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं, इसको करते हैं एक बार. ये दोनों हाउसेज बने हुए हैं, ये और ये, इसमें से देखते हैं. आपको चूज करना है टॉल का राइमिंग कौन कौन सा है. टॉल का राइमिंग क्या होगा, टॉल, वॉल, ठीक है, मॉल चलेगा, कॉल भी राइमिंग है. बेस्ट का क्या होगा, नेस्ट राइमिंग हो गया, रेस्ट राइमिंग हो गया, टेस्ट राइमिंग हो गया, लेट्स, टेस्ट, बेस्ट, लेट्स, ये नहीं होगा. तो फिलहाल यही राइमिंग वर्ड्स हैं इसके, ठीक है. तो ये है छोटी सी वर्कशीट बच्चों, आई होप आपको अच्छी लगेगी. वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे. सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर.